ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 7 फरवरी 1980 के चले हुए अव्यक्त रूप के मधुर महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। सभी बच्चों के रूप बसंत दोनों के बैलेंस देख रहे हैं। बसंत बनना और रूप में स्थित होना दोनों की समानता है, अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है। ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास है। बाबा ने रूप बसंत का एक किस्सा है, कहानी चली आती, उसके रेफर करते हुए कई मुरलियों में कहा है कि रूप बनना अर्थात साइलेंस में रह करके, योग युक्त हो करके, वाइब्रेशन के द्वारा सेवा करना, और बसंत का अर्थ है वाचा द्वारा सेवा करना। तो बाबा ने कहा दोनों आवश्यक हैं। कई मुरलियों में तो बाबा ने कहा हुआ कि दो आत्माएं हों, एक बसंत बन के बोले और दूसरे रूप बन के शांति के वाइब्रेशन दे, तो उसका बहुत अच्छा बैलेंस इफेक्ट रहता है। लेकिन इस मुरली में बाबा ने हर आत्मा को ये कहा है कि आपको अपने अंदर ही रूप और बसंत का बैलेंस रखना है, क्योंकि अगर आप खाली वाचा के द्वारा सेवा करते हैं और उसके साथ में योग की स्थिति नहीं रहती तो भी उसका पूरा इफेक्ट नहीं पड़ता, और अगर आप योगाभ्यास ही अपने लिए करते रहते हैं और वाचा द्वारा सेवा करते ही नहीं, वो भी इनकम्प्लीट है, एक पहिए वाली साइकिल है। इसलिए बाबा ने कहा है कि रूप और बसंत, उसमें खास बात ये है कही है, अभी शुरू जो किया है, कि हर एक को अब ये फील होता है बसंत बनना आसान लगता है। हम सब जो हैं आवाज़ में आना बहुत ईजी समझ करते हैं और आवाज़ से परे रहना मुश्किल लगता है। वास्तव में आत्मा तो शांति स्वरूप है, तो इसलिए बाबा ने कहा पहले तो ये भी देखना है कि मुझे आवाज़ में आना और आवाज़ से परे रहना इक्वली ईजी लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए, और फिर दूसरे जब आवाज में आते हैं उस समय भी शांति की अवस्था में रहकर आवाज में आओ। बसंत अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है, ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास है। सर्व कर्म इंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है? हाँ, बाबा कहते हैं दोनों को चेक करो कि कर्म खींचता है तो कर्म इंद्रियों के द्वारा बोलने की, कर्म करने की इच्छा होती है, वो सहज लगता है, और इससे परे जाने की जो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है वो उतना ही खींचती है, चेक करो। देखना, सुनना, सुनाना ये विशेष कर्म जैसे सहज अभ्यास में आ गए हैं, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन सकते हो। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। अब बाबा ने ये भी बताया है कि कर्मातीत का ये मतलब नहीं कर्म करो ही नहीं, कर्मों से परे चले जाओ, कर्म करते हुए दो स्टेज है, एक है अधीन बन के कर्म करना अर्थात अपनी इंद्रियों के अधीन बन के कर्म करना, इंद्रियां आपसे कर्म करवा रही हैं, और दूसरा है अधिकारी बन के कर्म करना, आप इंद्रियों से कर्म करा रहे हैं। आत्मा
आँखों को जहाँ जो देखना चाहे वो देखने को कहती है, वही देखती है और जितना समय देखना चाहे उतना देखती है। एक है कि आँखें आत्मा को जो दिखाना चाहे वो दिखाती हैं, इंद्रियां कंट्रोल कर रही हैं और जितना समय दिखाना चाहे दिखाती रहती हैं। फर्क हो गया ना। मान लो कि टेलीविज़न देख रहा है तो आँखें उसकी लगी हुई हैं टेलीविज़न देखने में, और वो जब तक उसकी आँखों की इंद्रिय के कंट्रोल में है, उसको अच्छा लग रहा है, वो देखे जा रहा है। अगर आत्मा कंट्रोल में होगी तो सोचेगी मुझे कितने तक देखना है। एक तो ये स्थूल इंद्रियां, फिर बाबा कहते हैं जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, पुराने संस्कार हैं, वो हमें कंट्रोल किए हुए हैं या हम उनको कंट्रोल किए हुए हैं। ज़्यादा समय कौन सी स्टेज रहती है? हाँ। बाप दादा हर एक संगम युगी कर्मेंद्रियों जीत स्वराजधारी राज्य अधिकारी राजाओं से पूछते हैं कि हरेक की राज्य कारोबार ठीक चल रही है? हरेक कारोबारी आप राज्य अधिकारी के ऑर्डर में है? बाबा कहते हैं कि जैसे राज दरबार लगता है तो राज दरबार में जितने भी कारोबार करने वाले होते हैं सब अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। फिर बाबा कहते हैं वो ऑर्डर में चलते हैं, आपके कहने में चलते हैं, ये दोनों बातें बाबा कहते हैं। देखो ये बहुत अच्छे ही बाबा ने कंपैरिजन की, कर्म अधीन कर्म अधिकारी। हाँ, तो कर्मातीत मीन्स कर्म अधिकारी होके कर्म करना। और इसमें बाबा ने ये जो कहा कि अकर्मी स्टेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो संगम युग पर हम लोगों को अटेंशन रखना है। बिल्कुल नैरे होकर कर्म करना। आप कोई एग्जाम्पल से इसको, यानी कोई भी कर्म जिसमें आपका स्वार्थ नहीं है, जो किसी भी कमजोरी के वश में नहीं है, जो किसी प्रकार के ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि के वश द्वेष के वश में नहीं है, वो कर्म अकर्म हो सकता है, नहीं तो कर्म का हिसाब बनता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपनी विशेषता के भी वश होकर कर्म करते हैं वो भी आपको बांध लेता है। मान लो कि मैं बहुत अच्छा, किसी को कविता कहनी आती है, उसकी कविता सब पसंद करते हैं, अब वो उसके पैसे भी चार्ज नहीं करता कुछ दे रहे, लेकिन उसको कविता कह कर के जो खुशी प्राप्त होती है, जो सम्मान प्राप्त होता है, जो तारीफ प्राप्त होती है, जो मान शान मिलता है, वो भी तो एक प्राप्ति है ना, अप्रिसिएशन मिलता है। अब वो व्यक्ति अगर इससे न्यारा नहीं है तो क्या होगा, वो भी मांगना शुरू कर देगा मौका कि मुझे कविता कहने का मौका दो। असली बात क्या है कि मेरी कविता अप्रिशिएट होती है, मेरी कविता बाकियों की कविता से सबको पसंद आती है, लोग खुश होते हैं, ताली बजाते हैं। अब है तो विशेषता, लेकिन इसको भी हम अकर्मी अवस्था या कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें बंधन आ गया। कोई भी कारोबारी खयानत व मिलावट व किसी भी प्रकार की खिटखिट तो नहीं करते? कभी आप राज्य अधिकारी को धोखा तो नहीं देते? चलने के बजाय चलाने तो नहीं लग जाते? आप राज्य अधिकारियों का राज्य है या प्रजा का राज्य है? ऐसी चेकिंग करते हो या जब दुश्मन आता है तब होश आता है? रोज अपनी दरबार लगाते हो या कभी कभी दरबार लगाते हो? क्या हाल है आपके राज्य दरबारियों का? राज्य कारोबार ठीक है? और जो बाबा ने शुरू में लक्ष्य दिया
कि कर्मातीत बन के कर्म करो और आप आवाज़ में आना, कर्म में आना और उसे न्यारे होना, दोनों अवस्थाएँ समानता में, बैलेंस में हो, उसके लिए कहा है। ये तभी संभव हो सकेगा अगर आप अपनी, आप करावनहार हो, अपनी करणहार कर्म इंद्रियां जो है उनका दरबार लगाओ, उनका रोज अकाउंट लो, उनसे पूछो और फिर आपकी आज्ञा के अनुसार वो चले। तब बाबा हालचाल पूछ रहे हैं कि क्या आप उनकी आज्ञा पर तो नहीं चलने लग गए कहीं? आप राज्य अधिकारियों का राज्य हैं या प्रजा का राज्य है? इंद्रिया रूपी प्रजा। ऐसी चेकिंग करते हो या जब दुश्मन आता है तब होश आता है? कोई कष्ट हो गया, तकलीफ हो गई, कोई निरादर हो गया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, रिकॉग्निशन नहीं दिया, तब चेक करते हो कि कौन सी इंद्री ने मुझे धोखा दिया है या जिसने मुझे स्थिति में लाया है। रोज अपनी दरबार लगाते हो या कभी कभी दरबार लगाते हो? बाबा का तो दुश्मन आता है तब दरबार लगा, जब कोई धक्का लगता है उस वक्त अपने चेक करते हो अपनी इंद्रियों को या रोज दरबार लगाते हो? क्या हाल है आपके राज्य दरबारियों का? राज्य कारोबार ठीक है? इतना अटेंशन देते हो? अभी के राजा ही जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। आपकी दासी ठीक कार्य कर रही है। बाबा ने कहा कि आगे की जो राजधानी है वो तभी आप प्राप्त कर सकते हो अगर अभी आप अपने कर्म इंद्रियों के, सूक्ष्म इंद्रियों के कंट्रोल करके, रोज इसकी चेकिंग करके, इनको प्रॉपरली कंट्रोल करके, अपने अधीन करके चलाओगे। और ये जो बाबा ने कहा आपकी दासी ठीक है, प्रकृति को बाबा ने इसमें दासी बताया। सबसे बड़े से बड़ी दासी है प्रकृति। प्रकृति रूपी दासी ठीक कार्य कर रही है। प्रकृति जीत के ऑर्डर प्रमाण अपना कार्य कर रही है। यानी आप हो प्रकृति पति, प्रकृति जीत, आप प्रकृति को अपने ऑर्डर से चलाते हो या प्रकृति के अधीन हो? प्रकृति जीत प्रकृति के ऑर्डर में तो नहीं आ जाते। आपके राज्य दरबार की मुख्य 8 सहयोगी शक्तियाँ आपके कार्य में सहयोग दे रही हैं। राज्य कारोबार की शोभा है। ये अष्ट शक्तियाँ अर्थात अष्ट रतन, अष्ट सहयोगी तो आठों ही ठीक हैं। अपनी रिजल्ट चेक करो। राज्य कारोबार चलाना आता है। क्योंकि अगर अब राज्य कारोबार चलाना आएगा फिर सतयुग में भी राजधानी मिलेगी। अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होंगे तो सहयोगी शक्तियाँ भी समय पर सहयोग नहीं देंगी। ये बाबा ने जो 3 शब्द कहे हैं बहुत ही ये सार गर्भित हैं, क्योंकि राजाएं जो थे पहले, जो राजा ही करते थे, उनकी आज तो राजगद्दियाँ चली गई, तो उसका कारण क्या रहा? तो बाबा ने कहा एक तो वो अलबेलेपन की नींद जैसे कहते हैं, अपने का अपनी ड्यूटी से अलग हो गए राज कारोबार चलाने की बजाय, अपने उससे अलग हो गए, उस सो गए, यानी अपनी ड्यूटी को छोड़ दिया। फिर बाबा कहता है उनको नशा, वो लोग तो शराब शुरू पी के नशा करते थे, तो बाबा कहता है आप जो हैं अल्पकाल की प्राप्तियों का नशा, इधर उधर की छोटी मोटी प्राप्तियाँ हो गई, उसके नशे में अपनी असली जो राजा ही है उसको छोड़ दिया। फिर वो लोग डांस वगैरह देखने लग गए थे, राज दरबार में नृत्य होते थे, जिस कारण से उनकी राजगद्दी चली गई। तो नींद, नशा और नृत्य, तो बाबा कहते हैं जैसे उनकी राजगद्दियाँ चली गई तो आपको भी देखना है कि
कि आप जो है अलबेलेपन की नींद, अल्पकाल की प्राप्ति का नशा और व्यर्थ संकल्पों का नृत्य, इसमें तो नहीं कहीं खोए हुए। ये तीनों चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो रिजल्ट क्या समझें? आजकल बाप दादा हर एक बच्चे की भिन्न भिन्न रूप से रिजल्ट चेक कर रहे हैं। आप अपनी रिजल्ट भी चेक करते हो? पहले तो संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति। आपके मंत्री भी दल बदलू तो नहीं है, कभी माया के मुरीद तो नहीं बन जाते? बाबा ने कहा तुम्हारे तीन ये महामंत्री हैं, ये कंट्रोल में है। आज बाबा ने संस्कार को शक्ति कहा है, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, लेकिन आज संस्कार शक्ति। संस्कार का तो प्रभाव बहुत होता है ना, हर व्यक्ति अपने संस्कार के प्रभाव से काम करता है। अगर आपका संस्कार उल्टी तरफ ले जाने वाला हो, वेग में हो, तो आपकी मन बुद्धि भी दब जाएंगे और संस्कार के सीट के ले जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा ना कि संस्कार इज जो बैकअप है, जो पावर है पीछे मन बुद्धि के, वो संस्कार है। अब किसी का हाँ कर रहा है, मन हाँ कर रहा है, लेकिन संस्कार के वह ढीली हाँ कर रहा है, अंदर उसके है कि शायद मैंने नहीं करना, कोशिश करूँगा। अब ये शब्द क्या है? ये संस्कार ही करवा रहा है ना कि अंदर से कह रहा है मन को कि तू कह दे हाँ कोशिश करूँगा, हमने जाना नहीं है वहाँ, है ना। तो सारा खेल तो संस्कारों का है, मन बुद्धि तो फंक्शनरी हैं, एक्चुअली संस्कार का ही प्रभाव है ना। तो हमारा असली काम तो संस्कार परिवर्तन का है। अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी, तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर के बगैर रूलिंग पावर नहीं आ सकती, और कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल में, फाइनल जब होगा फाइन देना पड़ेगा, अर्थात सजा खानी पड़ेगी धर्मराजपुरी। ये सजाएं फाइन है, रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। जिसकी अभी से राज्य दरबार ठीक है, वो धर्म राज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्म राज भी उनका स्वागत करेगा। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है? अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ये बार बार कहना पड़ेगा। यानी अगर फाइन भरना है, गलती करनी है, तो फिर बाबा कहता है रिफाइन नहीं हो सकते। और ये देख लो कि बार बार जाके के अच्छा कहोगे नहीं, अच्छा अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, तो सुगंध खाने के लिए करोगे क्या? वो भी तो अच्छी स्टेज नहीं है ना। जैसे कोई माफ़ी मांगता है तो क्या करता है, अब मैं नहीं करूँगा, फिर नहीं करूँगा, फिर नहीं, तो ये स्टेज अधिकारी की थोड़ी है। गलती की हुई है तो फाइन में सुगंध भी आती है, ये भी एक सजा है ना, आपके छोड़ दीजिए। धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। हाँ। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी? हाँ, चॉइस है। तो एक तो अभी आओ वेलकम है, अरे कह जी माफ करना, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन बाबा बता रहे ना। अपना फाइनल फैसला कर लिया है कि अभी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छी गहरी बातें बाबा सुना रहा है। खाता क्लियर हो गया है? हाँ। या मस्तक के टेबल पर ये नहीं किया है, ये नहीं किया है, ये फाइलें रही हुई हैं? यानी टेबल पे पेंडिंग वर्क होता है ना, तो बाबा कहते हैं सारी फाइलें क्लोज करके अपने खाते ख़त्म कर लो, नहीं तो बाबा कहते हैं आपकी फाइलें इकट्ठी होती जा रही हैं। तो कई ऑफिसर होते हैं ना जो काम एफिशिएंटली नहीं करते, उनकी टेबल पे फाइलें भरी रहती हैं, ये भी करना है, ये भी करना है। तो बाबा कहते हैं आप भी सोचो जो आपकी ड्यूटीज़ हैं,
जो आपके काम थे, विकर्मों को विनाश करना है, दूसरों को ज्ञान देना है, कर्म बंधनों से चुक्तु करना है, प्रकृति को जीतना है, मन बुद्धि को कंट्रोल करना है, समय के प्रबंध रखना है, व्यर्थ बोलना नहीं है, व्यर्थ संग, ये सारी चीज़ें की फाइलें हैं। तो बाबा कहते हैं आपकी टेबल पे वो फाइलें पूरी हो गई, अच्छा ये हमने कंट्रोल कर लिया, ये फाइलें पड़ी, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, तो फाइनल तब होगा ना अगर ये फाइलें अपना काम पूरा कर लोगे। काम पूरा कह रहे बगैर तो ऑफिस में भी छुट्टी नहीं मिलती, तो यहाँ मुक्ति धाम जाने की छुट्टी कैसे मिलेगी। पुराने वर्ष के साथ पुराना खाता खत्म किया या नए साल में भी पुराने खाते को जमा करके लंबा किया है और ही बढ़ा लिया पेंडिंग वर्क। वर्ष परिवर्तन हुआ तो संस्कार भी परिवर्तन हुआ। अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकतू न कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी। बाबा कहते देख लो फिर वो फाइन भरना पड़ेगा या जाके बार बार माफी मांगनी पड़ेगी। ये चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा, इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं, अभी पुराने खाते ही चला रहे हैं। सुनाया ना, कईयों की तीन शक्तियां अभी भी बाप के सर्व खजानों में खयानत कर रही हैं। यानी बाबा कहता है जो तीन शक्तियां बताई थी, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति, ये जो बाप ने हमको खजाने दिए हैं उनको किस प्रकार से यूज़ करना है, उसके अंदर इंटरफेरेंस कर रही हैं, उन खजानों अमानत में खयानत कर रही हैं। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के बजाय उसमें वेस्टेज और मिलावट कर रही हैं। बाप ने खजाने दिए हैं स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति, लेकिन व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, ये अमानत में खयानत हो रही है। बाबा ने कहा कि जितने भी आपको मैंने खजाने दिए हैं, जैसे ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, समय का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, संकल्प का खजाना है। अब बाबा कहते दिए तो अपने कल्याण के लिए हैं या विश्व कल्याण के लिए हैं, लेकिन इसके अंदर परमत किसी के कहने पर चलो भाई सैर करे आते हैं, योगी लगाना ना, सैर करते हुए योग लगा लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल धन है, चलो भी इसमें लगा दो कोई बात नहीं। तो बाबा कह और समय और संकल्प, तो बाबा कहते हैं जनमत यानी पब्लिक का, जैसे जनता राज है, जो सब ने कहा जी ये सब कह रहे हैं मैंने करना ही है, तो रूलर सबके कहने से करता है, जो राइट होता है वो करता। पर मत इन सब के कारण से जो तुम्हारे कर्मचारी हैं मन बुद्धि और संस्कार, वो इसमें प्रभाव में आके गलत तुम्हारे खजानों को वेस्ट करवा रहे हैं। एक सवाल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाबा ने कहा इनको व्यर्थ की तरफ लगा लेते हैं, तो जैसे ज्ञान का खजाना है, ये व्यर्थ तरफ कैसे जाता है। ज्ञान ना सुना के आपको इतना ज्ञान का खजाना किस लिए मिला, कि हमारा जीवन इसलिए है कि जो आए उसको रंगना है, उसको ज्ञान की पचकारी लगानी है। अच्छा, और सारा हमें ज्ञान ही बोलना है। अब सुबह से शाम तक अगर हम देखें कि हमारा ज्ञान का खजाना भरा पड़ा, तीनों लोकों तीनों कालों का बाबा ने ठूस ठूस के ज्ञान, पर जो हमारे संपर्क में आते हैं हम कितना उनको ज्ञान का खजाना देते हैं, कितना साधारणता में और बातचीत में वो अपॉर्चुनिटी जो आती है हमारे पास,
चाहे कोई स्ट्रेंजर आता है, हमारा साथी आता है, कोई संबंधी आता है, उसको करते हैं। अपॉर्चुनिटी भी तो हम खो देते हैं ना। अब मान लो हम कंसर्न ही नहीं फील करते, हमारे आसपास के ही लोग खड़े हैं, कोई आते भी हैं, हम समझते हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, आया अच्छा भी क्यों आया है। तो बजाय इसके उसको भी कुछ ज्ञान का सुगात दें, तो सारी बात है ना, इम्पोर्टेंस नहीं देखते ना। शब्द मुरली के ही लेंगे लेकिन अंतर इतना होगा, हाँ, जैसे शिव और शव। हाँ, बाबा कहता है कि सारी वार्तालाप ज्ञान की भाषा ही होगी, लेकिन उसका इंटेंशन जो होगा वो इतना होगा कि जैसे भगवान और डेड बॉडी। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल बनो, स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो, हे अर्जुन बनो। यानी बाबा ने बताया कि तुम्हारे को इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने तुम्हें खजाने दिए हैं, उसको साधारणता में जैसे जनमत परमत का है ना, किसी की हाँ में हाँ मिला दी, चलो इसमें क्या हर्जा है, हम तो समाचार ही सुन रहे हैं ना। बाबा कहता है नहीं, वो एक एक तुम्हारा सेकंड जो है वो किस तरफ ले जा रहा है। बाबा ने ये कहा, दूसरे का भी बोझ हमारे पर चढ़ता है इससे। हाँ, और खयानत और मिलावट। हाँ। फिर बाबा कहते हैं ये भी सोचना कि कौन देखता है, किसने किया है, ये मैंने भाषा यूज करेंगे, फिर बीच बीच में अपनी जो इंटेंशन है ना वो भी जोड़ देंगे, कौन देख रहा है, सभी ऐसे ही कर रहे हैं, बड़े भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, कोट करेंगे उसने ऐसे किया। मान लो कोई गलती करता है, अब मान लो कोई गलती से कोई चीज़ खरीद लाया, दूसरा भी खरीद लाता है, या कोई कुछ बेचना शुरू कर देता है, दूसरा भी बेचना शुरू कर देता है, पूछो क्यों बेच रहा जी, वो बेच रहा है, ये क्यों खरीद के लाया, वो भी खरीद के लाया। अच्छा, तो बाबा कहते हैं ज्ञान क्या कहता है, जैसे कर्म मैं करूंगा वैसे दूसरे करें ये देखना है, या जैसे दूसरे करेंगे वैसे मैं करूंगा। दूसरा खड्डे में जा रहा है, दूसरा अपनी प्रारब्ध को नष्ट कर रहा है, दूसरा धर्मराजपुरी में फाइन भरने के रास्ते में जा रहा है, तो मैं क्यों जाऊं? मेरा काम है ऐसे कर्म करूं जो वो भी रुके। उल्टा हो गया कि नहीं, शब्द तो ज्ञान के कोट कर दिया उसने, इसी तरह बड़े भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, अभी तो हुआ ही नहीं, किसने किया है। तो ये शब्द यूज़ करके वो जो गॉडली बाबा के जो डायरेक्शन है उसको तो खो रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो उठे सो अर्जुन। हाँ, इसलिए जो आ करे वो अर्जुन। सदा ये स्लोगन याद रखो, कह कर नहीं सिखाना है, करके सिखाना है। कहने से नहीं कोई करता। हाँ। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है, उल्टा नहीं सिखाना है, मैं बदल करके सबको बदल के दिखाऊंगा। ये व्यर्थ बातें सुनते हुए देखते हुए होली हंस बन, व्यर्थ छोड़ समर्थ धारण करो। सदा चमकीली ड्रेस में सजे सजाए सदा सुहागन, बाप और मैं तीसरा ना कोई, सदा झूले में झूलो, बाप की गोदी के झूलो या सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलो। संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में न जाए। एक संकल्प भी बाहर गया, बॉडी कॉन्शियस में गया, वो भी नुकसान करेगा। समझा इस वर्ष क्या करना है? नहीं तो मिट्टी पहुंचते रहेंगे, साजन पहुंच जाएगा, वो मंजिल पर पहुंच जाएगा और आप पहुंचते हुए रह जाएंगे। वो पहुंच जाएगा और आप पहुंचते हुए रह जाएंगे। बाबा शब्द भी बहुत अच्छे मिलान करता है। बरातियों की लिस्ट में आ जाएंगे। समय का इंतजार नहीं करना, सदा स्वयं को ऑफर करो
कि मैं एवर रेडी हूँ, समझा अब क्या करना है। बीते हुए वर्ष की रिजल्ट में अभी कईयों के खाते क्लियर नहीं हैं, अब तक पुराने पुराने दाग भी कईयों के रहे हुए हैं। रबर भी लगाते हैं फिर दाग लगा देते हैं। कईयों का तो पहले छोटा दाग है लेकिन छिपाते छिपाते बड़ा कर दिया है। कई छिपाते हैं और कई चालाकी से अपने को चलाते हैं। इसलिए अब ये पढ़ने वाला है, ये जो बाबा ने चालाकी से चलाने वाला बताया है, बहुत दर्दनाक है। इसलिए गहरा दाग होता जाता है। जैसे बहुत गहरा दाग होता है तो जिस चीज पर दाग होता है वही फट जाती है, चाहे कागज पर हो चाहे कपड़े पर हो। वैसे यहां भी गहरे दाग वाले को दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। वाह, देखो कि दिल में दाग है ना, तो बाबा कहते कई बार ऐसे होता है ना, वो दाग पड़ते पड़ते उस चीज़ का अस्तित्व भी ख़त्म हो जाता, तो दाग ही रह जाता है। और दाग उस चीज़ कागज़ पे दाग पड़ जाए, मान लो स्याही का दाग पड़ जाए, पड़ते पड़ते वो दाग कागज़ को ही खा जाता है। ऐसे कपड़े पर दाग पड़ते 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 वो कपड़ा फट जाता है। इसी प्रकार से बाबा कहता है ये जो चलाकी वाले एक दाग फैले हुए बताया और एक गहरे दिखाया, तो फैलते तो इसलिए हैं छुपाने से। बाबा ने कहा कि भगवान से कुछ छुपाना नहीं है, तो छुपाने से रबड़ लगाई दाग तो फैल फैल के बड़े हो गए हैं और कईयों के गहरे हो गए हैं। अब गहरे दाग भी इतने गहरे हो गए हैं, बाबा कहता है कि वो दिल के, यानी जो इस प्रकार के छुपा चलाकी करते रहे ना अपने आप के साथ ही। अच्छा, मान लो सुबह का वक़्त है, अमृत वेले उठना है, तो बाबा कहता अमृत वेले उठना अपने फ़ायदे के लिए उठना है। बाबा ने भंडारे खोले तो फिर अपने साथ ही चलाकी करेंगे, चलो थके हुए हैं, सारा दिन काम करना है, चलो ठीक है यहीं बैठ के योग लगा लेते हैं, थोड़ी देर में सो जाएंगे तो भी फ़र्क नहीं, अगले दिन फिर चला दिया। तो जो ऐसे ऐसे करते हैं तो बाबा कहते बढ़ते 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 बढ़ते, चाहे वो धन का है, बाबा का धन लौकिक में लगा दिया, समय लगा दिया, वो बाबा कहता है दिल फाड़ के रोना पड़ेगा। और आगे का सेंटेंस और भी ये मैंने किया, ये मैंने किया, ऐसे बोलना पड़ेगा, मैंने किया, सारा सीन सामने आएगा, एक एक सीन। ऐसे दिल फाड़ करके रोना पड़ेगा। हाँ, अब देखो दिल जैसे बिल्कुल दहल कर कोई रोता है, चिल्लाता है। अगर एक सेकंड भी वो दृश्य देखो तो विनाश काल से भी दर्दनाक है। अब ये देखिए, इसको दोबारा पढ़ने वाली चीज है, जैसे किसी के चारों तरफ आग लग जाए और वो भाग भाग के रास्ता ढूंढ रहा हो और उसको याद आए कि अरे मैंने ये पाप किया था, मैंने इसका गला घोंटा था, और ज्ञान के हिसाब से तो चारों तरफ भागे, ऐसे ऐसे करेगा ना, तो बाबा कहते विनाश काल जो सबसे बड़ा खतरनाक दुखदायक, उससे भी भयानक वो एक सेकंड होगा। आप सोच सकती हैं कितना सख्त ये शब्द है। इसलिए सच्चे बनो, साफ बनो, चलाकी नहीं करो, छुपाओ नहीं। बाप दादा को अभी भी रहम आता है, इसलिए रोज अपनी राज दरबार लगाओ, कचहरी करो। ये मुरली क्लास में सुनाने की है, एक एक शब्द धारणा की। ऐसे स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले सदा राज्य अधिकारी, सदा रूहानियत और रहम की वृत्ति वाले, विश्व में सदा सुखी
शांत वायुमंडल बनाने वाले, भटकती हुई आत्माओं के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस, ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, पुरानी दुनिया के आकर्षण से दूर रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अब इस एक एक शब्द में, मुरली के सार में जो बाबा ने शिक्षाएं दी हैं वो सब आ गई हैं। इतनी धारणा युक्त शिक्षाएं, दृढ़ संकल्प करना है, पुरानी दुनिया के सब आकर्षणों से बचना है, भटकती हुई रूहों को रास्ता दिखाना है, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। सेवाधारी अर्थात बाप समान, बाप भी सेवाधारी बन करके आते हैं। सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना, तो ये भी समझो ड्रामा में लॉटरी में नाम निकला है। सेवा का चांस मिलना अर्थात लॉटरी का नाम निकलना, सदा सेवा का चांस लेते रहना, सभी के रिजल्ट अच्छी है, मुबारक। कहते हैं ना कि आपने मेरे सेवा का मौका दिया, बहुत अच्छा किया। तो बाबा कहते हैं भगवान के घर सेवाधारी बनना, क्योंकि परमात्मा खुद सेवाधारी बन के धरती पर आया है। तो बाबा कहते हैं ये टाइटल जो मैं सेवाधारी हूँ, कोई भी सेवाधारी बनेगा तो मेरे समान बन जाएगा। अगर उस भावना से सेवा करते हैं तो बाप समान बनने का ये भी एक तरीका है। और बाबा ने कहा ये सोचो कि एक लॉटरी निकल रही है कि मुझे सेवा का मौका मिला, ईश्वर के घर की सेवा की प्राप्ति कितनी है। इसलिए बाबा ने जो कहा सेवाधारी बनना मना बाप समान बनना, वो किस हिसाब से? बाबा ने यही कहा कि बाप भी सेवाधारी बन के आया है ना, तो बाप सेवाधारी का टाइटल बाबा को मिला, तो कौन सी सेवा बाबा करता है? आखिर बाबा पति से पावन बनाने की सेवा करता है, गुण धारण करवाने की सेवा करता है, शक्तियाँ धारण करवाने की सेवा करता है, और उसके लिए जो बाकी चीज़ें कनेक्टेड हैं उसकी सेवा करवाता है। तो बाबा बुद्धि लोगों की टच करता है सहयोग देने की। अब हम अगर उसके ज्वाइन कर गए ईश्वरी सेवा कंपनी में, जिसका हेड ईश्वर है, मेरे सेवाधारियों की कंपनी में, ईश्वरी सेवाधारी में हम ज्वाइन कर गए, तो वो जो परमात्मा सेवा कर रहा है तो हम भी सेवाधारी हो गए, तो कहाँ समान हो गए कि नहीं सेवाधारी? यानी भगवान सेवाधारी के साथ हम सेवाधारी हैं। और ये भी है कि बाप समान वो गुण जो सेवा वो गुण में होने वो चाहिए, वो आ गया, तो वो सेवाधारी के सच्चे का गुण व्यक्ति को समान बना देगा कि नहीं बना देगा? जैसे कोई ज्ञान धारण कर ले तो बाप कहता है तीनों कालों का ज्ञान धारण कर लिया, मास्टर बाप समान बन गया, ऐसे ही मास्टर सेवाधारी बन गया। किसी भी तरीके से भगवान का कोई भी किसी चीज़ में भी समानता धारण कर लो। बाबा कहता है कि टीचर बहन एक कन्या बाबा की गद्दी पर बैठ के मुरली सुनाती है, तो बाप समान टीचर बन गई, उसी का ज्ञान सुना रही है ना, तो ये भी एक नशा है। सो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने राज्य कारोबार के बारे में बताया, और जो तीन चीज़ें बाबा ने कही उनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं पढ़ती हूँ, अलबेलेपन की नींद, अल्पकाल की प्राप्ति का नशा, और व्यर्थ संकल्पों का नाच। इस मुरली में बाबा ने शब्द ऐसे जोड़े हुए हैं, स्वागत के साथ सुगंध, वंडरफुल। तो इस पर ध्यान रखते हुए अपनी फाइल हमें नहीं बनानी है, हमारी फाइल क्लियर रहे इस बात पर अटेंशन देना है। फाइलों को फाइनल करो। ओम शांति।